लोग अंदर तक भी जा नहीं पा रहे, बाहर के बाहर ही डेरा गिर रहे हैं। एक था, अब दो झूले हो चुके हैं कंप्लीट। ये देखो सदर तो भाई यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर रह जाता है, तो आप आगे आइए तो आपको यहाँ पे अच्छी जगह मिल जाती है रहने के लिए। ये देखो भाई आखिरी ट्रैक्टर यहाँ तक है। तनु कनु चलिया नी लक लगया मेरा किन्नी यारी धरती ही ना नक लगया। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल यार यूपी के ब्लॉग्स में। भाई आ चुके हैं मेले की अपडेट लेकर, हो सकता है भाई थोड़ा लेट हो गया वीडियो, और अभी की अपडेट भाई कि मेले में बुरा हाल है। शायद भाई जो अंदाजा था वो सारे आंकड़े फेल हो चुके हैं कि इस बार श्रद्धालु बहुत भारी मात्रा में आए हैं। तो देखते हैं भाई कि जगह का क्या व्यवस्था है। मुझे लगता नहीं भाई कि जैसा हमने कहा था पिछली वीडियो में कि जगह हो पाएगी। अब भाई जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, लगता नहीं कि भाई जगह की व्यवस्था हो पाएगी। चलिए अभी मेले के अंदर चलते हैं, कितना काम हो चुका है, कितना रह रहा है, क्या क्या घाटे बन चुके हैं। और इधर की तरफ देखिए भाई, मेला अभी बड़े भी नहीं है, ये टेंट की व्यवस्था हो चुकी है। टेंट लग गए भाई बाहर के बाहर ही, लोग अंदर तक भी जा नहीं पा रहे, बाहर के बाहर ही डेरा गिर रहे हैं। और बहुत ही भारी भीड़ आ रही है, क्योंकि भाई 2023 में मेला लगा था, 2023 में मेला लगा था, 22 में नहीं लग पाया था, 21-22-20 बंद रहा था कोविड की वजह से। तो पिछले साल भी थोड़ा हल्का था कोविड के कारण ही, कि कुछ लोग नहीं आ पाए थे जैसा भी है भाई। पर इस साल जो श्रद्धालुओं ने भाई रिकॉर्ड बनाया है, अपने आप में रिकॉर्ड है भाई। चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेले में। ये एंट्री होती है, तो अभी जैसा कि बताया था पहले काम नहीं हो पाया था, अब काफ़ी भारी मात्रा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मेला इधर की तरफ ही बढ़ गया भाई, और बीच में पता नहीं क्या दे दिया, ये खालिस्तान है सारे किनारा। और झूले भाई दो हो गए, पहला एक था, अब दो झूले हो चुके हैं कंप्लीट। ड्रैगन भी झूले भी, मौत का कुआ भाई इस बार नज़र नहीं आ रहा। मौत के कुएं का क्या अंदाजा अभी भाई? मल्ली डिग्री में है वो भाई, तिगड़ी में शायद मौत का कुआ रहेगा, इस पाले में शायद नहीं रह पाएगा। देखते हैं आगे चलेंगे, देखेंगे कि लगाया कि व्यवस्था बनी है नहीं बनी। बहुत दुकानें भाई आधी लगभग थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ रह रही हैं, कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। लोग मेला घूमने भी लगे भाई, देखो भाई इधर की तरफ लाठी बाजार कर दिया इन्होंने, मीना बाजार लाठी बाजार। और जो मेला बताया जैसा कि छोटा ही है, 500 मीटर में लगभग मेला है, तो बनने के बाद थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, काफ़ी लंबा हो गया भाई अब तो। जैसे पहले लग रहा था कि हाँ छोटा रहेगा, और भाई बनने के बाद काफ़ी हाइट बढ़ी लग रही है, दुकानें दुकानें नज़र आ रही हैं अब तो। और भाई टेंट वालों का आप देख सकते हैं, दवा के काम चल रहा है, नल और टेंट दोनों एक साथ कर दिए उन्होंने भाई। जैसा कि बताया था मुख्य घाट भी तैयार हो चुका, ये देखो ये मुख्य घाट तैयार कर दिया इस तरफ। ट्रैक्टर मोनेस्टर टायर का भी, मोनेस्टर का भी बाप आ गया, टायर बहुत चौड़े करवा दिए भाइयों ने, अगले टायर और पिछले टायर देखो, जेबीसी के टायर डलवा दिए शायद भाई का। ये देखो ये आ चुका है, पूरी मेला पूरा लगना शुरू हो गया, और लोगों ने ट्रैक्टर की भी जैसी व्यवस्था होती है घूमने गाँवने वाली, वो व्यवस्था हो चुकी है चालू। ये देखो भैया भाई, जब पिछली बार अपडेट दी थी तो उस अपडेट में भाई यहाँ की तरफ कुछ नहीं था, ये मेला था बिल्कुल सुनसान, कोई जगह नहीं थी, कोई टेंट नहीं था। और अभी भाई हालत ख़राब है, इधर की तरफ दिखा भाई एक बार, ये घाट पर अपडेट दी थी भाई, अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज कल में ही इतनी भीड़ हो चुकी है, भारी भीड़ हो चुकी है। अंदर की तरफ पूरा ये मेला लग गया, जिसने बताया था कि टापू पर रहेगा ये मेला, दिख गया भाई पीछे दिखा भाई। ये देखो ये पूरा का पूरा भाई कवरिंग कर लिया है मेले ने, और ट्रॉली ट्रैक्टर जो भी आ रहे हैं भाई वो घाट ही चाहते हैं मेले पे, गंगा स्नान पे, तो घाट की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। हम भी देख आते हैं कि लास्ट कहाँ तक हुआ है, जहाँ भाई पहला आगे लास्ट कर दिया तो उससे तो बहुत आगे आ चुके हैं, फिर भी कम से कम मुझे लग रहा है कि आगे 1.5 किलोमीटर और है जो आगे जाके देखा जा सकता है, फिर जो आगे जाके व्यवस्था की हुई है भाई। शानदार ट्रैक्टरें, शानदार गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, सब एक से एक महंगी चीज़ों को भाई। पूरा माहौल बनाने के बाद जब लोग गंगा जी स्नान नहाने आते हैं, तो चलिए देख लाते हैं कहां तक एंड होता है इस मेले का। भाई अभी आ चुके हैं मेन घाट पर, यहां मेन घाट है, जो कि मैंने बताया था कि मेन घाट ऐसा ही होता है, हम इसी घाट पर ज़्यादातर स्नान करते हैं।
इस बार भाई तिगरी रह चुका है उधर, और ये तिगरी से पार होने के बाद मेला अलग ही दिशा में चला गया। सदर तो भाई यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर रह जाता है, बट मेला सारे का सारा जो गंगा जी नहाने आते हैं, जो गंगा स्नान करने आते हैं, उन्हें पता है कि घाट का क्या आनंद होता है। तो सारा का सारा मेला इधर की तरफ निकल चुका है। अभी भाई यहाँ पे भी व्यवस्था नहीं है, अभी भाई जगह की शॉर्टेज आ रही है। जगह तो आपको मिल जाएगी बट घाट पे मिलना मुश्किल है भाई, थोड़ा खोजेंगे तो मिल जाएगी। बने रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे कि कहाँ आप व्यवस्था बना सकते हैं। ये लगभग 3 किलोमीटर आप आगे आइए तो आपको यहाँ पे अच्छी जगह मिल जाती है रहने के लिए। अभी भाई तिगरी देख लो, तिगरी से आपको कितना दूर आना होगा आप अंदाज़ा ले सकते हैं इस बात से, वो तिगरी रह जाता है भाई उधर की तरफ। अभी ये सारा मेला इधर की तरफ आ गया है, तो आप आगे आइए मेले से, पीछे ना रहें, आगे आएँ और आगे मेले में अपनी पूरी व्यवस्था बनाएँ। भाई शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया, हमें पार करते करते लगभग 5 किलोमीटर मेले से बाहर आ चुके हैं। और ये देखो भाई आखिरी ट्रैक्टर यहाँ तक है अभी, इसके बाद भाई लगते ही जा रहे हैं उधर तक। ये घाट का हो चुका है एंड यहाँ पे। और भाई अब अगर आप आते हैं तो भाई कल पता नहीं 7 किलोमीटर पहुँचे 8 किलोमीटर पहुँचे, भाई कोई अंदाजा नहीं है मेले का। इस बार सारे आंकड़े फेल हो चुके हैं भाई हमारे भी, जैसे हम काफ़ी टाइम से आते रहे हैं, हमारे भाई सारे आंकड़े फेल हो चुके हैं। अभी देखते हैं, हम 10 में आने की सोच रहे थे पर जैसी स्थिति है भाई लग रहा है कि 10 से पहले आना पड़ेगा, नहीं तो घाट की व्यवस्था तो नहीं बन पाएगी। पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे लड़ झगड़ के ले लेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि घाट पर ही स्नान किया जाए। चलिए मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सभी को हर हर महादेव, जय गंगे की, हर हर गंगे। नहीं लिखा गया जाट, जाट लिखवा दिया भाई, नहान तैयारी होगी जहाज पे।